हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद और आज मैंने अपने घर में इस रिफ्रेशिंग आइस क्यूब को बनाया है जो कि समर सीजन में आप किसी भी जूस हो या टी हो किसी भी चीज़ के साथ इसे इस आइस क्यूब को डालकर अपने ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए चलिए देख लेते हैं हम लोग कि इसे मैंने कैसे बनाया है और इसमें मैंने क्या क्या सामान को डाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वाव, इसका एक फोटो ले लेती हूँ। रिफ्रेशिंग आइस क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम लोग पानी लेंगे, इसमें 2 चम्मच के आसपास शहद डाल देंगे और इसमें 1/2 लेमन डाल देंगे हम लोग। ये देखिए, हनी और लेमन का मैंने मिक्सचर बना लिया है। और इधर देखिए आइस ट्रे है, इसमें मैं ट्रांसफर कर लूंगी इन सबको। ये देखिए, जितनी भी आइस बन सकती थी इसमें सारा में मैंने डाल लिया है। तो चलिए अब दोस्तों इसे और भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं। इसमें मैंने कुछ रोज के पेटल लिए हैं जो सब में एक एक डाल देंगे। देखिए इस तरीके से सब में मैंने डाल लिया है। अब इसमें हम लोग पुदीने के पत्ते को डालेंगे। ये देखिए, सारे बॉक्स में मैंने पुदीने के पत्ते भी डाल लिए हैं। अब देखिए इसमें अनार के दाने भी थोड़े थोड़े डाल देंगे हम लोग। ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनने वाला है दोस्तों। इससे इस आइस क्यूब को आप किसी भी ड्रिंक में डालकर पी सकते हैं जो कि ठंडी हो। गर्म में डालेंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन ठंडी जो हो उसमें आप डालकर इसे पी सकते हैं। आजकल गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है दोस्तों, तो ये सबके लिए है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और नौजवानों के लिए, सबके लिए ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक इससे बन सकता है। तो आइए, अब रेडी है हमारा ये। अब इसे हम लोग फ्रिज में रख देते हैं आइस बनने के लिए। इसे मैंने रख दिया है ताकि ये क्यूब में कन्वर्ट हो सके। 2 से 3 घंटे में आराम से हो जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं ये जो रिफ्रेशिंग आइस क्यूब हमने जमने डाला था वो कैसा जमकर हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने निकाल लिया है, ये देखिए मैंने निकाल लिया है कि कितना रिफ्रेशिंग दिख रहा है। ये इसका नाम ही है जैसा, रिफ्रेशिंग आइस क्यूब। इसे आप कोई भी कोल्ड घर में बना हुआ ड्रिंक अगर पी रहे हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। कोई भी मोइतो बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं, लेमन में, ऑरेंज में, किसी जूस में भी इसे डाल सकते हैं। तो मेरी बनाई हुई विधि से आप भी अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करके देखें दोस्तों। इस गर्मी में ये आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगा। अगर मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल फूडी अनीता को लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों। और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों। वाओ, रिफ्रेशिंग आइस क्यूब।
लुकिंग सो रिफ्रेशिंग।